हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की यूनिट थर्ड की बात करेंगे। आप सभी को पता है इसके पहले हमारे दो यूनिट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के वीडियोस बच्चे अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे शिक्षा और समाज के बारे में, यानी एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं चैनल पर, उनको बता देना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, आपके सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। इसके पहले हमने एक बुक कवर किया था, अधिगमकर्ता का विकास, उसके 6 यूनिट हैं। सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है, उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है बच्चा, जाके आप वहां से वॉच कर सकते हैं। दूसरा, हमने शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का भी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पर हम इनके वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। आज ये तीसरा यूनिट है, इसके बाद बच्चा हम हिंदी के सब्जेक्ट के वीडियोज लाएंगे। और हमारी कोशिश होगी पहले हम जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिकल साइंस, मैथ और बच्चा आपके और जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड कर दें। आफ्टर दैट हम प्रश्नों की समीक्षा करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में यूनिट थर्ड की बात करेंगे। अभी हमारे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे आपके, संडे के पहले पहले सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी यूनिट थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा और समाज। और यहां से जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा बच्चा कि इस क्वेश्चन को हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि समाजीकरण की बात हो रही है। तो समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, बालक के समाजीकरण के लिए कौन कौन से प्रभावित एवं बाधक तत्व या कारक कौन कौन से हैं, समझाइए। ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप बाकी प्रश्नों के भी आंसर कर पाएंगे। और इस प्रश्न को बच्चा मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। पीपीटी मैंने बना रखा है, बहुत प्रॉपर पीपीटी है, बस अगर आप ध्यान समझेंगे तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन बच्चा मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चा यहाँ पर जो हमारी सबसे हेडिंग होगी वो यही होगी, समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है बच्चा, एक सामाजिक प्राणी है, तथा समाज के बिना मनुष्य में सर्वांगीण विकास होना असंभव है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति में सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया हर तरह के जो विकास होते हैं वो विकास होना असंभव है। हाँ, मनुष्य बढ़ सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका होना असंभव है अगर आप एक सोसाइटी में नहीं रहते हैं। तो मनुष्य अपने सभी सामाजिक गुण एवं विशेषताएं जन्म के बाद समाज में रहकर अर्जित करता है। जाहिर सी बात है बच्चा, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है वो जिस समाज में रहता है अपने समाज के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है, उसके जो गुण होंगे, जो उसकी विशेषताएं होंगी, उसका जैसा समाज होगा उसकी वैसे ही गुण और वैसे ही विशेषताएं होंगी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह के ही अपना सर्वांगीण विकास करता है। जो भी गुण और विशेषताएं होती हैं वो जन्म के बाद समाज में रह के ही अर्जित करता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिफिनेशन हो जाता है, ये आपका 2 से 3 लाइन का जो डिफिनेशन है बहुत प्रॉपर डिफिनेशन हो गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना असंभव है, मनुष्य अपने सामाजिक गुण और विशेषताएं जन्म के बाद समाज में रह के अर्जित करता है। ऐसी लाइनें लग रही हैं जैसे कि बच्चा आप इसे खुद से बना के लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉपर लाइनें हैं, और मैंने उसी तरीके से यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इजी लैंग्वेज हो ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना, और लिखने में भी आपको उतना ही आसानी रहे। इसके आगे बढ़ेंगे, अभी इनका डिफिनेशन खत्म नहीं होता है, हमें इनके बारे में और लिखना है। मेरे बच्चों, आप सभी को पता है जन्म के समय कोई भी शिशु जो होता है मात्र एक प्राणी ही होता है, उसमें बहुत सारी गुण विशेषताएं नहीं होती हैं, लेकिन जिस समाज में वह रहता है उस समाज के अकॉर्डिंग उसकी गुण विशेषताएं दिन प्रतिदिन बदलती चली जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा भी गया है, जन्म के समय मानव शिशु मात्र प्राणी होता है, उसमें जैविकीय विशेषताएं मानवीय होती हैं। प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक आप प्राणी हैं और उस प्राणी से अगर आप सामाजिक प्राणी बनते हैं, सामाजिक प्राणी इन द सेंस कि आप में बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, बनने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को ही बच्चा समाजशास्त्रीय भाषा में समाजीकरण कहते हैं। जो समाजशास्त्रीय भाषा है उसी लैंग्वेज में उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग डिफिनेशंस दे रखे हैं, उनके डिफिनेशंस क्या हैं आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमें 1 से 2 राइटर का जरूर बच्चा डिफिनेशन दे देना है, जैसे हमने लिख रखा है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन ने क्या कहा इसके बारे में,
ग्रीन ने कहा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तत्व और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा था, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तत्व और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, प्रस्तुत परिभाषा द्वारा स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाजीकरण द्वारा ही विकसित होता है। कोई भी व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो कैसे डेवलप होती है, वो बच्चा उसका जो डेवलपमेंट होता है वो समाज में रह के एक समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गुण विशेषताओं के आधार पर ही चीज़ों को सीखते हैं। तो मनुष्य का जो भी विकास होता है, जो भी उसका व्यक्तित्व होता है, उसके समाज के अकॉर्डिंग ही उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके गुड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें उसके समाज के अकॉर्डिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व समाजीकरण द्वारा ही विकसित होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसके बाद है बोगाडर्स के अनुसार, इन्होंने कहा था, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं और ऐसा करने से सामाजिक जिम्मेदारी और संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। यानी इन्होंने कहा था, परिभाषा द्वारा स्पष्ट होता है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति अपनाता है तथा निजी व्यक्तित्व को विकसित और संगठित करता है। प्यारे बच्चों, कोई भी पर्सन है, मैं ही एक व्यक्ति हूँ, हमारा कुछ निजी लाइफ होगा, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, ये गलत है, ये जैसा मेरा बिहेवियर है ये बिल्कुल हमारे समाज में एडजस्ट नहीं करता है, ये चीज़ें सही नहीं है, तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने व्यक्तित्व को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। जैसा समाज में चलता है, जैसे गुण और विशेषताएं प्रचलित हैं, जो चीज़ें वेस्ट हैं बच्चा, हम अपने आप को उस तरह से बनाने को कोशिश करते हैं। यानी यही बात यहाँ कही गई है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति को अपनाता है। जो सामाजिक बातें हैं, जो सामाजिक बिहेवियर्स हैं, हम उन्हीं को अपनाते हैं और अपने निजी व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और संगठित करते हैं। ये बातें हैं बच्चा, इन्होंने बोगाडर्स ने कहा था। अब आपने दो राइटर्स के अकॉर्डिंग के डिफिनेशंस दे दिया और आपने उसके पहले भी डिफिनेशंस लिख दिया, तो बच्चा ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से आप लिख रहे हो। प्रश्नों का आंसर आप किस तरीके से देते हैं, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और हम यहाँ पर लिखने में बच्चा, इस पीपीटी को बनाने में काफ़ी हमारा समय जाता है, बस इसीलिए कि आप सभी को ये मटेरियल्स, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग के पीडी वीडियोज़ हैं, लेकिन बच्चा हम आपको ये सारी चीज़ें विदाउट पेमेंट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये पीपीटीज भी आपको मिल जाएंगी, बस आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल भी मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए इसके लिए। आप बस इतना करो बच्चा कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, जितना भी हो सके ये सारी चीज़ें करो, बस मुझे आपका यही सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो बच्चा आगे है, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है, वह समाज में रहकर ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई भी व्यक्ति है समाज में रह के ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में वह जन्म लेता है, यहीं पर उसका विकास होता है और यहीं पर सामाजिक संबंधों के तानों बानों में उलझा रहता है। तानों बातों नहीं बच्चा, तानों बानों में उलझा रहता है। समाज के यही ताने बाने मनुष्य को सामाजिक बनाते हैं। समाज में रहकर जिस प्रक्रिया के अधीन बालक का समाजीकरण होता है उसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के तीन पद हैं। कितने अच्छे और कितने सरल शब्दों में आपने चीज़ों को लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जाहिर सी बात है बच्चा, हम ही एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और कहीं ना कहीं इसी समाज में रह के हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। समाज में वह जन्म लेता है, हमारा जन्म जो है हमारे समाज में हुआ है, यहीं पर हमारा विकास भी होता है और इन्हीं संबंधों में, इन्हीं तानों बानों में हम उलझे रहते हैं और यही हमारे जो समाज के ताने बाने हैं बच्चा, मनुष्य को सामाजिक बनाते हैं। हमारे जो भी ताने बाने हैं कहीं ना कहीं यही बातें हमें सामाजिक बनाती हैं और समाज में रह के जिस प्रक्रिया के अधीन बालक का समाजीकरण होता है उसी को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के तीन पद हैं। अब जैसे हमने यहाँ सबसे पहला पद लिखा है प्रसारण। प्रसारण क्या होता है? किसी भी प्रक्रिया का पहला पद बच्चा प्रसारण होता है। मनुष्य जब समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब उसे पहला पद संकुलों और प्रतिमानों के साथ मिलाना पड़ता है जो उसे ग्रहण करने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण कहलाती है, ठीक है, या प्रसारण करती है। दूसरा जो होगा बच्चा सांस्कृतिकरण होगा। सांस्कृतिकरण जो है हमारा ये दूसरा है, जिसे हम लोग कहते हैं समाजीकरण का यह दूसरा पद है।
सांस्कृतिकरण, इस पद में व्यक्ति जिस समाज में रहने लगता है उस समाज का रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन आदि को स्वीकार करने के साथ साथ वह अपने आचार विचार, रहन सहन, खान पान को दूसरे समाज में प्रचलित करता है। तो बड़े अच्छा लैंग्वेज है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है कि आपको याद करना पड़े। जाहिर सी बात है बच्चा, संस्कृतिकरण की बात करेंगे तो सामाजिकरण का दूसरा पद है, और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है, उसी रीति रिवाज, उसी आचार विचार, उसी रहन सहन को स्वीकार करता है, और अपने आचार विचार, अपने रहन सहन, खान पान को दूसरे समाज में भी क्या करता है, प्रचलित करता है। हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ, हम जिस तरीके से रहना सीखे, जिस तरीके से बात करना सीखे, अगर हम किसी दूसरी फैमिली में जाते हैं तो अपने आचार विचार को ही हम क्या करते हैं, वहां पर दोबारा दूसरों के साथ साझा करते हैं। तो लोग कहते हैं ना, अगर हमारे संस्कार अच्छे तो लोग कहेंगे उनके संस्कार कितने ऊंचे थे, बड़ा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छे संस्कार थे, क्योंकि हमारा समाज ही वैसा था, हमने वही सीखा ही था, तो हमने वहां पर वही बातें की। लेकिन अगर वहीं पर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे बिहेवियर अलग नहीं है, हम दूसरों से अच्छा बात नहीं करते हैं, दूसरों को बड़े और छोटों का कोई हमारे अंदर सम्मान नहीं है, तो बच्चे लोग क्या कहेंगे, मतलब उस बच्चे के अंदर थोड़ा भी संस्कार नहीं है, थोड़े भी तहदीज नहीं, उस बच्चे के अंदर थोड़ा भी संस्कार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी बुराई होगी, यानी हमारे समाज की बुराई होगी, उनके समाज में ऐसी मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वही बात हो जाती है बच्चा। अगला है हमारा सतमीकरण। सतमीकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया का तीसरा पद है। सतमीकरण, इसके अंतर्गत व्यक्ति समाज की विशेष रीति रिवाज में अपने को पूरी तरह आत्मसात कर देता है, जिस समय यह प्रक्रिया संपन्न होती है व्यक्ति को पूरी तरह समाजीकरण कर देता है। यानी बच्चा, सतमीकरण का मतलब यही है, आप जिस भी समाज में रहते हैं उसी समाज के कल्चर्स को अपना लेते हैं, अच्छी तरीके से अपना लेते हैं, और यह जो प्रक्रिया है यही आपका समाजीकरण हो जाता है, यानी पूरी तरीके से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बालक के समाजीकरण के लिए प्रभावित तत्व या कारक। समाजीकरण से अभिप्राय बालकों में सामान्यता यहाँ पर नहीं, समाजीकरण से अभिप्राय बालक को समाज में रहने योग्य बनाना है। जाहिर सी बात है बच्चा, समाजीकरण अगर हम किसी का करते हैं इसीलिए ताकि वह व्यक्ति जो है एक समाज में रह सके, उसके योग्य हो सके। समाजीकरण से अभिप्राय है कि व्यक्ति जन रीतियां, रूढ़ियां, रिवाज, नियम, संस्कृति की अन्य विशेषताएं सीखता है, वह अपने आप को अपने जीवन के मूल्यों एवं उद्देश्य और उस वर्ग तथा समुदाय से परिचित कराता है। संक्षेप में समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक कार्य अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के क्षेत्र में आती है। तो बड़े आसान लैंग्वेज है। अब यहाँ पर बच्चा, समाजीकरण के प्रमुख तत्व या कारक जो आपने हेडिंग डाला था वही बातें हैं। आप जैसे पहला परिवार है तो आपको यहाँ जब भी हेडिंग डालेंगे कारक के रूप में परिवार के बारे में, तो आप 2 से 4 लाइनें जरूर लिखेंगे। आर्थिक स्तर की बात करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे, स्कूल की बात करेंगे यहाँ भी, समुदाय और जाति सम्य, यानी बच्चा ये आपके हेडिंग है, हमने सिर्फ हेडिंग को मेंशन किया है, इनके बारे में कंप्लीट नहीं लिखा है। तो आप जब भी इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे तो इनके हेडिंग के साथ इनके बारे में लिखेंगे 2-4 शब्द, और जैसा आपका प्रश्न रहेगा, विस्तृत उत्तरी रहेगा तो कुछ ज़्यादा, अगर लघु उत्तरी रहेगा तो कुछ कम, उसी तरीके से बच्चा आपको अपने आंसर देने हैं। कैसा लगा बच्चा आज का ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसा भी लगा आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आपके विचार कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारी चीज़ें जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चा एक कैसी लग रही हैं, जब आप बताते हैं तो वही हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं आगे के वीडियो के लिए काम करता है। आप सभी इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चा, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही।